नमस्कार, आज शक्करपारे बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करें, शक्करपारे बनाते हैं। शक्करपारे बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी गेहूं का आटा मैंने लिया है छान के, मैदा लिया है लगभग 5 बड़े चम्मच, सौंफ पाउडर है आधा चम्मच, इलायची पाउडर है आधा चम्मच से थोड़ा सा कम, देसी घी है 3 चम्मच और 3 चम्मच सूजी या रवा, दूध है 3 चम्मच और दूध ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो अवॉइड कर सकते हैं इसको, और ये पिसी हुई चीनी है 1 कटोरी, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप लें, और अगर पिसी हुई चीनी यूज़ नहीं करना चाहते तो पानी में चीनी डाल के चाशनी बना लें और तब यूज़ करें, सिर्फ उबाल लें चीनी को और तब ठंडा करके तब यूज़ करें उसको। और डीप फ्राई करना है, उसके लिए मैंने तेल लिया है कढ़ाई के अंदर। शुरू करते हैं। सबसे पहले परात या कोई भी बोल आप ले लें और उसके अंदर डालेंगे गेहूं का आटा। बारी बारी से सारी चीज़ें डालनी है इसके अंदर, सूजी और ये मैदा, साथ में इलायची पाउडर और सौंफ पाउडर और घी, और इसके साथ में दूध और चीनी, और इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लें, और उसके बाद में ज़रूरत होगी तो पानी ले लेंगे, नॉर्मल पानी जो रूम टेम्परेचर पे रखा हो वो यूज़ करना है, और इसका एक सख्त डो हम तैयार कर लेंगे एकदम पूरी जैसा, जैसे पूरी का आटा होता है वैसे हमें गूंदना है। तो मिक्स करने के बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी इसमें ना डालें। ये लीजिए डो हमारा तैयार हो गया है, इसको रख देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए, थोड़ा सा इसको रेस्ट देंगे, कोई भी प्लेट या कपड़ा आप ढक के रख दें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे ताकि तेल हमारा गर्म हो जाए, और अब पेड़े बनाएंगे, तो थोड़ा मोटा पेड़ा बनाएंगे, इतना लगभग 2-3 रोटी के बराबर हम पेड़ा एक बार में ले लेंगे, और गोल करेंगे सबसे पहले और बेल लेंगे इसको। सूखा आटा लगाने की इस पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमने दूध भी डाला है, घी भी डाला है, तो ये ऐसे ही बेला जाएगा। ये लीजिए रफली बेल लिया है, और इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रखना है, और अब चाकू से इसको काट लेंगे, कोई भी शेप आप जो चाहें वो काट सकते हैं, आप चाहें तो लंबे पीस इसके कर सकते हैं या रिक्टेंगल काट सकते हैं, और इस तरीके से पतले पतले इसके हम यहाँ पे कर रहे हैं, आप कोई भी शेप इसकी बना सकते हैं, और जो ये थोड़े से अलग शेप है इसको हटा देंगे, और जो ये सही डिज़ाइन इसका बना है इसको सीधा तेल के अंदर डालते जाएंगे। तेल गर्म हो गया है हमारा, हमेशा साइड से छोड़ें कढ़ाई के इस तरीके से, और सारे हम फ्राई कर लेंगे, और अब इनको पलट देंगे लगभग 2 से 3 मिनट एक साइड में पकाएंगे, और इस तरीके से घुमाते रहें और पलट देंगे। ये देखिए अच्छा सा कलर इनके ऊपर आ गया एक तरफ, और अब इसी तरह से हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और इनको फुल आंच के ऊपर पकाना है ताकि एकदम खस्ता बने ये, और ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, और अब निकाल लेंगे इनको। जब भी निकालें तो गैस को एकदम कम करें, और अच्छे से इनका तेल झाड़ के किसी भी अखबार पे या टिश्यू पेपर पे इनको निकाल लें। ये लीजिए खस्ता करारे शक्करपारे हमारे तैयार हैं, आप चाहें तो ऐसे ही खा सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा शहद इसके ऊपर डालूंगी क्योंकि मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं शहद डालने के बाद में,
और साथ में डाल दूंगी सफेद तिल इनके ऊपर। और लीजिए, एंजॉय करें शक्कर पारे।